हेलो एवरीवन, आज हम दिसंबर 2017 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? लेट एफ बी ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन एंड ई बी द इमेज ऑफ एफ, देन ई इज एन ओपन सेट, ई इंटरसेक्शन दिस इज यूनिट ओपन डिस्क इज एम्प्टी, ई इंटरसेक्शन आर इज नॉन एम्प्टी, आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर, ई इज ए बाउंडेड सेट। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी डेवलप करवा दूँ इसके बारे में, क्योंकि इसमें पहले मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ कीवर्ड क्या है। देखिए, कीवर्ड है इसमें नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन है, फिर इसकी इमेज के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए, एंटायर फंक्शन क्या होता है, पहले मैं एंटायर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता के चलता हूँ। एंटायर फंक्शन, एंटायर फंक्शन वो होता है जो सी के ऊपर एनालिटिक हो, पूरे सी के ऊपर एनालिटिक हो, इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन भी। अगर इसके ऊपर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसे हम बोलते हैं एंटायर का दर्जा देते हैं। अब ये सात एंटायर फंक्शन है। पहले नंबर पर आता है पॉलीनोमियल, दूसरे नंबर पर आते हैं कॉन्स्टेंट, तीसरे नंबर पर आते हैं एक्सपोनेंशियल, चौथे पर आती हैं साइन, पांचवे पर आता है कोस, छठे पर आता है साइन हाइपरबोलिक जेड, और सातवें पर आता है कोस हाइपरबोलिक जेड। सात, सात अजूबे, सात समुद्र, सात फेरे, बड़े इम्पोर्टेंट है ये, तो इनके नाम से आप याद रख सकते हो। सात होंगे जो प्योर होंगे, बाकी इनकी कंपोजिशन से बने होंगे, क्योंकि जो एंटायर फंक्शन का सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है और कंपोजिशन है, वो भी एंटायर होता है। जैसे ई की पावर साइन जेड है, ये भी एंटायर है क्योंकि इन दोनों का कंपोजिशन है। अब हम इनकी रेंज की बात भी ज़रा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट आने वाली है रेंज की बात। पॉलीनोमियल फंक्शन है, मान लो ये सी टू सी है, डोमेन इनकी सी है, आउटपुट क्या आएगी पॉलीनोमियल की? पहले मैं लेता हूँ नॉन कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, जो इनकी इमेज आएगी या आप कह सकते हो रेंज आएगी, एक ही बात होती है, ये सी आएगी। अगर e की z की बात करो, e की z की रेंज आएगी c माइनस जीरो, क्योंकि ये कभी जीरो वैल्यू नहीं देगा। साइन z की रेंज कितनी आएगी? c आएगी। कोस z की रेंज कितनी आएगी? c आएगी। लेकिन कॉन्स्टेंट फंक्शन की रेंज ऐसे डिफाइंड होगा एफ जेड इक्वल टू के, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू c, इसकी जो रेंज आएगी वो सिंगलटन सेट आएगी, जहाँ के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसी को आधार मानते हुए एक मैथमेटिशियन हुए हैं ल्यूविले ने थ्योरम दही है। ल्यूविले लवली थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई बाउंडेड एंटायर फंक्शन है, वो कौन है? कॉन्स्टेंट है। और की फॉर्म में दी उसने ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड, ये बात कही उसने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। नॉन एंटायर फंक्शन हमेशा अनबाउंडेड होता है। एक फिर लिटल पिकार्ड्स लिटल थ्योरम, पिकार्ड्स लिटल थ्योरम, जो पिकार्ड हुए हैं, पिकार्ड साहब हुए हैं फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने 32 इयर्स की एज में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर थ्योरम दी। हम तो रोटी के चक्कर में रहते हैं, पेट के चक्कर में, वो इंटरेस्ट के चक्कर में रहते हैं। तो उन्होंने 32 इयर्स की एज में थ्योरम दी। उसने थ्योरम क्या दी? एवरी नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन
ओमिट्स एट मोस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स वैल्यू। मतलब ओमिट का मतलब छोड़ना, कि हर एक नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन है अधिक से अधिक एक वैल्यू छोड़ेगा, या तो कोई छोड़ेगा नहीं, या छोड़ेगा तो बस एक छोड़ेगा। जैसे आपने देखा उसने कोई वैल्यू छोड़ दी, इसने कोई छोड़ दी, इसने जीरो छोड़ दी बस। इस तरह से कंपोजिशन में भी, लेकिन कॉन्स्टेंट फंक्शन है बहुत सारी वैल्यू छोड़ देगा ये तो। और उसने और भी कहा इसका, और इफ एन एंटायर फंक्शन ओमिट्स टू वैल्यूज देन इट इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये भी कहा। तो आगे चल के इसको इस रूप में भी देख सकते हो आप, आगे चल के हम इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, हम इस फॉर्म में देख सकते हैं ये इमेज और रेंज ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन इज आइदर सी और सी माइनस ए। ये भी लिटिल पिकार्ड थ्योरम ही है, बस लिखने का अंदाज बदल गया है, कि नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन या तो पूरा सी होगा या एक वैल्यू छोड़ेगा या कोई नहीं छोड़ेगा, ये मतलब है। ये क्या है सी, ये है पूरा ओपन सेट है ये, और सी माइनस ए ये सी है, सी में से एक पॉइंट हटा दिया जाए ये भी ओपन सेट है, ओपन सेट आएंगे दोनों। तो यहीं से तो ओपन मैपिंग थ्योरम बनी है। ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहती है, ओपन मैपिंग थ्योरम कहती है इमेज कहो रेंज कहो ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन इज ओपन। तो बात का मतलब वही निकलता है, कहने का बस अंदाज अलग अलग हो जाता है। अब क्वेश्चन पे आइए, कहता है एफ कोई नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन है, ई कोई इसकी इमेज है। तो लिटल पिकार्ड थ्योरम, पिकार्ड्स लिटल थ्योरम, फ्रेंच मैथमेटिशियन ने क्या कहा, जो इमेज आती है नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन की या तो सी आती है या सी माइनस ए आएगी और ओपन होगी, तो पहला ठीक हो जाएगा। या तो सी आए, सी के साथ ओपन इन डिस्क इंटरसेक्शन है, या इसके साथ है क्या आपका पॉइंट ये यहाँ छोड़ दे, तो दोनों केस में नॉन एम्प्टी आएगा, ये कहता है एम्प्टी है कट। फिर कहता है ई इंटरसेक्शन आर, ई का मतलब क्या है, ई या तो सी है, ई या तो सी है या ई क्या है सी माइनस ए है। जब इसका आर के साथ इंटरसेक्शन देखोगे रियल के साथ ये भी नॉन एम्प्टी आएगा, जब इसका आर के साथ इंटरसेक्शन देखोगे ये भी नॉन एम्प्टी आएगा, ये कहता है नॉन एम्प्टी आता है, सही कहता है। कहता है ई इज ए बाउंडेड सेट, नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन अभी तो करवाए थे मैंने, नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन में लवली थ्योरम ने क्या कहा था, वो अनबाउंडेड होते हैं। देखो इनकी जो इमेज है अनबाउंडेड आ रही है, क्योंकि कोई डिस्क नहीं है फाइनाइट रेडियस की जो इनको बांध सके, तो अनबाउंडेड सेट है, ये कहता है बाउंडेड सेट है, तो ये भी कट जाएगा। तो हम देखते हैं नेट में कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, जस्ट है कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। बट विडंबना ये है कि हमें बुक पढ़नी नहीं आती, या तो हम कॉन्सेप्ट को गलत पढ़ लेते हैं, उसके कंटेंट को गलत पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे अक्सर बुक को प्रॉपर वे में नहीं पढ़ पाते, उनके मीनिंग को गलत ले बैठते हैं, तो इस कारण से हमारा कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाता। टैलेंट भरा पड़ा है, टैलेंटेड एक से एक स्टूडेंट है, प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की। अगर हम अपनी मदर टंग में पढ़ें, मान लो कोई स्टूडेंट है उड़िया अच्छे से जानता है, या कोई स्टूडेंट है बंगाली अच्छे से जानता है,
या कोई स्टूडेंट है कन्नड़ अच्छे से जानता है, या कोई स्टूडेंट है उर्दू अच्छे से जानता है, या कोई स्टूडेंट है हिंदी अच्छे से जानता है, अगर उसको उसकी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, क्या बात है, सारा कॉन्टेंट समझ में आएगा। चाइना, चाइना ने इतनी प्रोग्रेस क्यों की है? क्योंकि उसने सारा जो साइंस है अपनी चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ा है। तो फॉरेन कंट्री बहुत सारे हैं, फ्रांस है, फ्रेंच में पढ़ता है। तो मदर टंग एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में उसी कंसेप्ट को समझने में हमें बहुत समय लग जाता है, लेकिन मदर टंग में वो चीज़ें एकदम से क्लियर होती है, क्योंकि हमारी आत्मा उससे जुड़ी होती है, हमारा दिल उस चीज़ से जुड़ा होता है, हमारी अंतरात्मा एकदम से समझ आती है क्या कहना चाह रहा है। तो एक बात ये है कि हमारे जो 3 जुलाई से और 3 जैन से एवरी ईयर न्यू बैच स्टार्ट होते हैं, पीजी अवेलेबल है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए सेपरेटली। हम कुरुक्षेत्र में 50 सीट्स रखते हैं ओनली, जिसका सारा सिलेबस लगभग मैं ही करवाता हूँ। तो हमारे बैच 3 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे इस बार यहाँ पर। जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 15 जून है, इससे पहले पहले करवा लीजिए। कैथल ब्रांच में हमारा कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। थैंक यू वेरी मच।